हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रोड्स की इंडिया में, कि कैसे कैसे रोड का डेवलपमेंट इंडिया में हुआ और गवर्नमेंट ने किस कमेटी को बैठाया जो इन सब सारी चीज़ों को एग्जामाइन करता था। तो सबसे पहले बात करें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया और एक अपॉइंटमेंट किया कमेटी का, जो रोड्स की सिचुएशंस वगैरह और उनके डेवलपमेंट वगैरह को देखती थी, जिनका नाम था जैकर कमेटी। मिस्टर जैकर की लीडरशिप में दिया गया था और इन्होंने कुछ मेजर रिकमेंडेशन दिए थे रोड्स के लिए। सबसे पहला इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था, इन्होंने बोला था कि जो रोड डेवलपमेंट है वो शुड बी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, सब्जेक्ट होना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट का। मतलब इन्होंने बताया कि रोड्स के, इनकी जो फाइंडिंग्स थी, उन्होंने बताया कि कैसे कैसे हम लोग रोड का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला इनका पॉइंट था कि जो रोड डेवलपमेंट है वो नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होना चाहिए। और इनका जो सेकेंड रिकमेंडेशन था वो ये था कि पेट्रोल पे हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज लगाएं, जिससे कि क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके हमारे रोड का। और जो चार्ज उससे इकट्ठा हो उसको हम लोग बोलते थे सेंट्रल रोड फंड। उनकी कमेटी ने एक एक्स्ट्रा टैक्स अप्लाई किया पेट्रोल पे और डेवलपमेंट ऑफ रोड के लिए, और उसका उस फंड को हम लोग बोलते थे सेंट्रल रोड फंड। उसके बाद से इनका एक और रिकमेंडेशन था, इन्होंने एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी फॉर्म करने के लिए रिकमेंड किया, जिसका नाम था इंडियन रोड कांग्रेस, IRC जिसको बोलते हैं, और सारा रोड डेवलपमेंट वगैरह इंडियन रोड कांग्रेस ही देखती है। उसके बाद इनका एक और रिकमेंडेशन था कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी होनी चाहिए, जो सारी नई टेक्निक्स रिसर्च करे रोड्स पे हमारे, कि कैसे कैसे रोड डेवलपमेंट हो। तो इन्होंने एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को भी बोला अपॉइंट करने के लिए, तो CRRI, जो सेंट्रल रिसर्च, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन का इन्होंने रिकमेंडेशन किया कि जो नई नई टेक्निक्स डेवलपमेंट करे हमारे रोड्स के लिए। तो CRRI के लिए इन्होंने भी रिकमेंडेशन किया, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। उसके बाद से जैकर कमेटी का जो ये चारों रिकमेंडेशन था, उसके बाद से 1929 में, 1929 में सेंट्रल रोड फंड स्टेबलाइज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा इनके रिकमेंडेशन पे। उसके बाद से एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी इंडियन रोड कांग्रेस जो थी, इनके रिकमेंडेशन पे 1934 में उसको भी स्टेबलाइज किया गया, उस बॉडी को फॉर्म किया गया इंडियन रोड कांग्रेस का। और 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया, जो लॉ एंड ऑर्डिनेंस देता था रिलेटिंग टू ट्रैफिक। मतलब हमारा 1929 में सेंट्रल रोड फंड स्टेबलाइज हुआ, 1934 में हमारी सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी अपॉइंट हुई इंडियन रोड कांग्रेस, और 1939 में हमारा मोटर व्हीकल एक्ट आया, जो हमारा लॉ और ऑर्डिनेंस देता था किससे रिलेटेड, हमारे ट्रैफिक से रिलेटेड, जैसे ये ड्राइवर व्हीकल और ऑपरेशन सारे कंट्रोल करता था। उसके बाद क्या हुआ, 1943 में जो सारे स्टेट के हमारे चीफ इंजीनियर थे, उनकी एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में डिस्कस किया गया, और इसके बाद से 20 ईयर रोड प्लान्स डिस्कस्ड हुआ और पास हुआ। इसमें ये हुआ कि 20 ईयर प्लान्स कैसे कैसे हम रोड को डेवलप करें, 20 ईयर्स के सेगमेंट में इसको किया गया। तो जो पहला 20 ईयर रोड प्लान था वो था 1943 से 1963 के लिए, उस कमेटी में किया गया, और इसको हम लोग नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। जो पहला 20 ईयर प्लान था हमारा, उसको नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। और ये जो प्लान था 1943 से 1963 के बीच, ये 1961 में ही कंप्लीट हो गया। ये जो हमारा नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस था, उसका जो टारगेट था ड्यूरेशन 1943 से 1963 साल, लेकिन ये 1961 में ही कंप्लीट हो गया। और इस जो रोड फर्स्ट 20 ईयर प्लान का जो रोड टारगेट था वो था 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर पे, मतलब 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 16 किलोमीटर के रोड डेवलपमेंट का टारगेट था हमारा। फर्स्ट हमारा जो प्लान था नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस का जो प्लान था, फर्स्ट 20 ईयर प्लान। उसके बाद हमारा जो कुछ 1950 में एक्ट आया, जैसे 1950 में हमारा CRRI स्टेबलाइज हुआ, जैसे 1950 में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज हुआ, जो सारे रिसर्च और टेक्निक्स डेवलप करता था हमारा नए रोड के डेवलपमेंट के लिए, कि कैसे हम रोड को डेवलपमेंट करें।
उसके बाद से हमारा 1956 में नेशनल हाईवे एक्ट प्रिपेयर किया गया, और इस ये एक्ट जो था प्रिपेयर करने के कई रीज़न थे जो 1956 में हमने नेशनल हाईवे एक्ट लाया, जैसे कि कुछ हमारे सिलेक्टेड हाईवेज थे उनको हम लोग नेशनल हाईवे डिक्लेयर करें, और दूसरा था कि हम लोग किसी भी लैंड में इंटर करके उसका सर्वे और कैरिंग आउट सर्वे, उसका सर्वे कर सकें और लैंड को हम लोग एक्वायर कर सकें और पोजेशंस ले डेवलपमेंट ऑफ हाईवे के लिए। मतलब जो 1956 में हमारा नेशनल हाईवे एक्ट आया उसका जो मेजर पर्पस था कि कुछ हमारे हाईवेज थे उसको हम लोग नेशनल हाईवे डिक्लेयर करें, उसके बाद हम लोग सर्वे करें लैंड्स का, और तीसरा था हम लोग लैंड एक्वायर करें और डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज के लिए। ये था हमारा मेजर पर्पस था हमारा नेशनल हाईवे एक्ट का जो 1956 में आया था। उसके बाद से जब हमारा 1961 में फर्स्ट 20-year रोड प्लान कंप्लीट हो गया तो जो सेकेंड रोड प्लान था वो 1961 से लेके 1981 के लिए डेवलप किया गया, और इसमें ये तो था, इसको हम लोग बॉम्बे रोड प्लान भी बोलते थे, ये बॉम्बे में हुआ था। और इस प्लान का जो सेकेंड 20-year प्लान था बॉम्बे रोड प्लान, इसका जो टारगेट था वो था 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में डेवलप करना था। मतलब जो रोड का टारगेट था वो 32 किलोमीटर था पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए। तो इसका जो ड्यूरेशन था वो 1961 से 1981 था। उसके बाद क्या हुआ कि 1973 में हाईवे रिसर्च बोर्ड IRC के द्वारा सेटअप किया गया। 1973 में हाईवे रिसर्च बोर्ड IRC के द्वारा सेटअप किया गया, जो क्या करता था, डायरेक्शन और गाइडेंस देता था रिसर्च एक्टिविटी के लिए इंडिया में। मतलब इंडियन रोड कांग्रेस जो सारा डेवलपमेंट देखती है हमारे रोड्स वगैरह का, उन्होंने 1973 में हाईवे रिसर्च बोर्ड का सेटअप किया और ये सारा हमारा गाइडेंस देती थी रोड्स के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद से 1978 में हमारा नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी NTPC नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी अपॉइंट हुई, जो क्या करती थी, कंप्रहेंसिव नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी फॉर द कंट्री फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। मतलब ये 10 साल के लिए जो कंप्रहेंसिव नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी थी उनका काम था इसको प्लान करना। उसके बाद से 1981 में जब हमारा सेकेंड 20-year रोड प्लान हुआ, रोड प्लान कंप्लीट हुआ, उसका थर्ड 20-year रोड डेवलपमेंट प्लान जो था उसका जो टारगेट था 1981 से 2001 का जो प्लान था वो लखनऊ में हुआ था, और इसको लखनऊ रोड प्लान भी बोलते हैं, और इसका जो टारगेट था वो था 42 किलोमीटर ऑफ रोड पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए। मतलब अगर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है तो उसमें 82 किलोमीटर डेवलपमेंट करना था रोड का। ये जो था हमारा थर्ड 20-year रोड प्लान, ये था 1981 से 2001 तक। उसके बाद से 1988 में हमारा NHAI एक्ट हमारा पास हुआ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो था 1988 में पास हुआ। उसके बाद 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। 2000 में लॉन्च किया गया PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिससे कि हमारे जो गांव वगैरह हैं वो भी हमारा कनेक्टिविटी हो जाए उनकी शहरों से और उनका डेवलपमेंट हो। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, फोर्थ 20-year रोड डेवलपमेंट प्लान था, शुड हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 2001 बट ऑन द इंस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन 2001 में जो गवर्नमेंट मतलब बोली कि डेवलपमेंट IRC जो है रोड डेवलपमेंट प्लान करे विज़न 2021 एंड विज़न 2025। मतलब जो फोर्थ 20-year डेवलपमेंट प्लान था शुड हैव बीन इंट्रोड्यूस इन 2001 बट गवर्नमेंट के इंस्टेंस से इंडियन रोड कांग्रेस जो थी उन्होंने प्रिपेयर किया विज़न 2021 एंड 2025 का रोड डेवलपमेंट प्लान इन्होंने प्रिपेयर किया। थैंक यू।